एवरीवन, वेलकम टू वेंडी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द वेजिटेबल मैरिनेशन रेसिपी फॉर दोज हु ईट ओनली वेजिटेबल्स। सो गाइस, इसके लिए मैंने पहले लिया है एक फ्रेश ब्रोकली। सो ये बड़े साइज की ब्रोकली है। देन आई हैव टेकन सम कैप्सिकम, आई हैव टेकन सम ब्रिंजल, आई हैव टेकन सम रेड कैरेट, अनियन एंड द बीटरूट। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं और जो भी आपको पसंद है मैरिनेशन, आप इसमें टमेटो भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और तरह की वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक यू नो चॉप दीज वेजिटेबल्स इन द रिक्वायर्ड साइज। तो जो भी साइज़ हमको रिक्वायरमेंट है उसमें हम इनको चॉप कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसके सीड्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सीड्स को निकालना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से इसको बाद में स्टिक में कर सकें जब आपने इसको बारबेक्यू करना है, अगर स्टिक बारबेक्यू करना है तो। अगर आपने इसको होल बारबेक्यू करना है तो ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन। ये हमारा कैरेट है जो हमने लिया है, और ये है हमारा ब्रिंजल के, सो बैगन। गाइज, आप किसी भी तरह के शेप में अपनी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं, बट मुझे जो पसंद आ रहा है मैं उस तरह की शेप इसमें रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको स्टिक्स में करना है, स्क्यूअर्स में करना है। सो आई एम मेकिंग द शेप अकॉर्डिंग टू दैट। एंड ये हमारा अनियन है, इसके भी इस तरह से बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं जो इजीली उसके अंदर चले जाएं। ये ब्रोकली है, इसको भी हमने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है, और अब हम इसको जो है रिक्वायर्ड शेप में, रिक्वायर्ड पीसेस का शेप हमें जो चाहिए है, जितने बड़े चाहिए हैं जितने छोटे चाहिए हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप कॉलीफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ब्रोकली अवेलेबल नहीं है तो कॉलीफ्लावर मिल जाएगी आराम से, फूल गोभी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी कट वेजिटेबल्स हैं जो कि मैरिनेशन के लिए जानी है। सो दिस इज़ ऑल एक्चुअली दुबई में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारा विंटर्स में पार्क में जाके बारबेक्यू करने का, तो इसलिए टुडे वी आर हैविंग सम गेट टुगेदर विद अ फ्रेंड्स, सो आई हैव प्रिपेयरिंग दिस वेजिटेबल मैरिनेशन। अब हमने यहाँ पे लिया है योगर्ट, दिस इज़ अ फ्रेश योगर्ट। आप इसको ऐसे भी चाहें, चाहें तो बीट करें, लेकिन फाइनली हमने बीट करना है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा बेसन। ये बहुत टेस्टी मैरिनेशन बनाता है, जब मैरिनेशन आपका पूरा तैयार होकर जब आप इसको ग्रिल करके या आप इसको बारबेक्यू करके खाते हैं ना, इट गिव्स अल्टीमेट टेस्ट टू द रेसिपी। यहाँ पे मैंने ऐड किया थोड़ा कोरिएंडर सीड्स। तो अभी हमने तीन इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं, योगर्ट, बेसन और कोरिएंडर सीड्स। देन हमने थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, 1 स्पून। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मोर स्पाइसी स्पाइसेस इन योर मैरिनेशन, थोड़ा थोड़ा आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। देन आई हैव ऐड द चिली फ्लेक्स, अगर आप चाहें तो चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज द वेजिटेबल मैरिनेशन मसाला जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। फाइनली अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये वेजिटेबल्स के साथ में अगर हम इनको डालेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, इसको हमें पहले एक अच्छा सा बैटर बनाना पड़ेगा। एंड इसको कि बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है तो अच्छे से आपको इसको विस्क करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ऐड योर वेजिटेबल्स टू इट। अगर इसको हम वेजिटेबल्स के ऊपर नीचे वेजिटेबल्स और देन ये सब कुछ डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, कहीं ज़्यादा हो जाता है कहीं कम हो जाता है। एंड फाइनली हम यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट, यू कैन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स टेकन, तो उसके हिसाब से आप सॉल्ट डालिए। और अब हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई यूजुअली यूज़ ऑलिव ऑयल इस तरह की प्रिपरेशंस में, तो मैंने थोड़ा ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, 2 स्पून 3 स्पून। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल माय वेजिटेबल्स टू इट, जो भी मैंने अभी कट करी थी, जो भी आपने देखा सारी वेजिटेबल्स एक बड़े से बोल में जो मेरे पास है, मैंने उसको लिया है, उसमें सब डाल दिया है ताकि मिक्सिंग मैं अच्छे से कर सकूं। और ये इतना सारा है और इतने बड़े बड़े पीसेज हैं कि मैं स्पैचुला नहीं, आई थिंक मुझे अपने हाथ का ही यूज़ करना पड़ेगा। सो फाइनली सारा मिक्स करके मैंने रेडी कर लिया है, और अब मैं इनको प्रिपेयर इनको रख रही हूँ ये बॉक्सेस में, ये कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं मेरे पास, इनमें मैं इनको रख रही हूँ।
इससे क्या होता है कि अच्छे से सेट हो जाते हैं, और क्योंकि मुझे बाहर लेकर जाना है तो ये बॉक्सेस में अच्छे से मैं रख करके इनको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दूंगी। एटलीस्ट 1 आवर की मैरिनेशन मैं इनको दूंगी वेजिटेबल्स को, मिनिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा करें तो भी अच्छा है, बट मिनिमम 1 आवर आई विल सजेस्ट, मिनिमम 1 आवर। एंड सब अच्छे से इन बॉक्सेस में पैक करने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। इफ़ इट इज़ विंटर्स आप इनको बाहर रख सकते हैं, बट इफ़ इट इज़ समर्स, आप समर्स में बना रहे हैं तो आप इनको बाहर मत रखिएगा, अदरवाइज इट विल स्मेल लिटिल बिट। सो बेटर कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर वेदर इट इज़ विंटर्स और इट इज़ समर्स। सो फाइनली देखिए कितना अच्छा मैरिनेशन लग रहा है, कलरफुल वेजिटेबल्स लग रही हैं, हेल्दी मैरिनेशन, हेल्दी वेजिटेबल्स, एंड इज गोइंग टू मेक अ हेल्दी ग्रिल एंड बारबेक्यू। एंड आई होप मेरी फ्रेंड्स को ये रेसिपी पसंद आएगी मेरी, एंड दे विल लाइक इट, और आई होप आपको भी पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेंटी ब्लॉग्स।